बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, गुड मॉर्निंग। दुबई में गुड मॉर्निंग है। मैं अफजल खान हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जी व्यूअर, आज मैं आपको दुबई के जो विज़िट वीज़ा है उसकी मालूमात दूंगा। टूरिस्ट वीज़ा कह लें, विज़िट वीज़ा कह लें। 1 मंथ का विज़िट वीज़ा अवेलेबल है यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने से ज़्यादा हो गए जो पूरी वर्ल्ड के लिए खुल गए हैं। पहले कुछ मुल्कों के लिए थे अवेलेबल, कुछ मुल्कों के लिए नहीं थे। तो अभी आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, अब इवन अफ्रीका से, पहले अफ्रीकन को नहीं मिलते थे वीज़े, आजकल पूरी वर्ल्ड के लिए वीज़े खुले हैं। आप कहीं से भी आना चाहें, 1 मंथ का विज़िट वीज़ा है और 3 मंथ का विज़िट वीज़ा है। और 1 मंथ का विज़िट वीज़ा 30 दिन के बजाय 40 दिन आप रह सकते हैं, और जो 3 मंथ का है 90 डेज़ के बजाय आप 100 दिन रह सकते हैं। और ये वीज़ा जो दोनों हैं, ये सिंगल एंट्री भी हैं। 1 मंथ का सिंगल एंट्री वीज़ा भी मिल जाता है और 3 मंथ का सिंगल एंट्री भी मिल जाता है, और दोनों वीज़े 1 मंथ और 3 मंथ ये मल्टीपल एंट्री भी वीज़े मिल जाते हैं। रेट अलग है लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट सेम है। रिक्वायरमेंट के लिए पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, आपका जो, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, इंटरनेशनल जो आपका आईडी है, जो आपका जो नादरा इशू करती है वो साथ उसकी कॉपी चाहिए होती, और पासपोर्ट का पहला पेज चाहिए होता, और दूसरा पेज जिस पे साइन होते हैं, ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली। और आईडी कार्ड की कॉपी और तस्वीर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल मैक्सिमम मेरे देखने में आया है जो तस्वीरें ख़राब होती हैं, उनकी क्वालिटी सही नहीं होती है, उसकी वजह से, तस्वीरों की वजह से मोस्टली वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो तस्वीर बहुत अच्छी होनी चाहिए और किसी अच्छे स्टूडियो से बनानी चाहिए। और सुबह सुबह, मैं पहले भी एक दो वीडियो बता चुका हूँ, सुबह सुबह का जो आपका चेहरा होगा वो फ्रेश होगा, और नहा के जाएँ, अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, शार्प कलर पहने, और टाई कोट ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तस्वीर आती है और तस्वीर के ऊपर ही फैसला होता है। एक तो एज फैक्टर होता है, बहुत छोटी एज के 16, 17, 18 साल के अगर अकेले लड़के आ रहे हैं तो उनको वीज़ा मुश्किल मिलता है। तो मैच्योर एज हो और तस्वीर अच्छी हो, और बाकी जो रिक्वायरमेंट आपको पेपर, जो जिसको भी आप भेजें, डॉक्यूमेंट भेजें, वो क्लियर होने चाहिए, स्कैन कॉपी होनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं बेड के ऊपर बिस्तर चादर नीचे नज़र आ रही, ऊपर पासपोर्ट रख के तस्वीर बना ली, इसी तरह आईडी कार्ड की तस्वीर बना ली, एक दो मुझे पिछले दिनों आए इस तरह पेपर, तो वो मुझे नहीं समझ आ रही, अगर मैं उसको अप्लाई कर देता तो वो मैक्सिमम चांस था कि वो रिफ्यूज़ हो जाता। मैंने उस क्लाइंट को दोबारा बोला तो भाई तस्वीर सही भेजो, डॉक्यूमेंट प्रॉपर स्कैन करके भेजो। आजकल तो हर मोबाइल के अंदर स्कैनर है, लेकिन कुछ लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं। तो आपको किसी भी वीज़ा की मालूमात लेनी हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। अगर जो यूएई में लोग हैं, दुबई में, हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। आपको 1 मंथ वीज़ा चाहिए अपने किसी अजीज़ के लिए, दोस्तों के लिए, आपको 3 मंथ वीज़ा चाहिए, आपको सिंगल एंट्री चाहिए, आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए। मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे आप जितनी दफ़ा मर्जी आए और जितनी बार मर्जी जाए, वो उसमें लिमिट नहीं है। लेकिन आपके जो टाइम पीरियड आपका, मिसाल है 1 महीने का जो वीज़ा है, उसमें मल्टीपल एंट्री है, आपने बार बार इसमें आ सकते हैं, जा सकते हैं विद इन मंथ, 1 महीने के अंदर। और अगर 3 महीने का वीज़ा है, उसी तरह आप 3 महीने के अंदर जितनी बार मर्जी आए और जितनी बार मर्जी जाएं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बता दी है। तो आपको प्राइस का आइडिया लेना हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आजकल यहाँ पे मोस्टली लोग, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, सबसे बड़ा इवेंट एक्सपो 2020 है, वो हो रहा है, ग्लोबल विलेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे आईपीएल था, ख़त्म हो गया, अब जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, यूरोप से बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रियों को तो वीज़े उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी वीज़ा रिक्वायर्ड है, बहुत सारे मुल्कों को, बहुत सारे इलाके के लोगों को।
तो आपको इसके लिए कोई भी मालूमत चाहिए, विजिटर वीज़ा की, 1 मंथ की, 3 मंथ की, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, 5 साल का वीज़ा भी इन्होंने शुरू किया है, उस पर मेरा वीडियो देखना चाहे मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट और उसका टाइम फ्रेम और उसके चार्जेस का उसमें मैंने आइडिया दिया हुआ है। 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, मतलब 5 साल का वीज़ा होगा और उसमें आप एनी टाइम आ सकते हैं, एनी टाइम जा सकते हैं। एक एंट्री पे आप 3 महीने रुक सकते हैं और उस 3 महीने ख़त्म होने के बाद 3 महीने और बढ़ा सकते हैं, इस तरह वो आप ऑल टुगेदर 6 महीने रुक सकते हैं, होगा वो 5 साल का। तो उसकी भी रिक्वायरमेंट आपने लेनी हो, उसका आपका प्राइस आइडिया लेना हो, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने लेने हो, क्या क्या उसमें लगाना है, क्या उसका तरीकाकार है, कहाँ अप्लाई करना है, आप सारी मालूमात मुझसे ले सकते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखिए। तो और कोई बात पूछनी हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अफजल खान को इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।